ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने बच्चों को एक एटिक के अंदर बंद कर देती है और फिर उन बच्चों के बीच अंदर क्या क्या होता है ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है फ्लावर्स इन द एटिक, जो 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक फैमिली को देखते हैं जिसके अंदर कॉरिन, उसका हस्बैंड क्रिस्टोफर और इनके चार बच्चे क्रिस, कैथी और दो छोटे भाई बहन होते हैं। अब बहुत दिनों बाद क्रिस्टोफर अपनी फैमिली के पास आया था, इसीलिए सभी बहुत खुश थे। क्रिस्टोफर सभी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया था। अगले दिन जब वो सभी खेल रहे थे तब क्रिस्टोफर कहता है कि उसका प्रमोशन हो गया है, तो अगली बार से क्रिस्टोफर और भी ज्यादा बिजी हो जाएगा। बिजी होने की वजह से वो बहुत दिनों तक अपनी फैमिली के पास नहीं आ पाएगा। ये सुनकर कैथी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो नाराज हो जाती है। जब वो अपने रूम में थी तब क्रिस्टोफर वहाँ आता है और कैथी से कहता है कि प्रमोशन होने के साथ साथ मेरी सैलरी भी डबल हो गई है, इसलिए मुझे जाना होगा। मैं हमेशा बीच बीच में तुम लोग से मिलने आता रहूंगा। क्रिस्टोफर कैथी को एक अंगूठी देता है, इसीलिए कैथी क्रिस्टोफर की बात मान जाती है। रास्ते में वो सभी क्रिस्टोफर के प्रमोशन की खुशी में पार्टी करते हैं। वो सभी जब पार्टी की तैयारी कर रहे थे तभी इनके घर में एक ऑफिसर आता है। वो कहता है कि क्रिस्टोफर की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। कुछ दिनों में हम देखते हैं कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई थी। कॉरिन हर रोज अपने बच्चों से एक लेटर किसी एड्रेस से भिजवाया करती थी। बहुत दिनों के बाद इस लेटर का जवाब आता है। ये देखने के बाद कॉरिन बहुत खुश हो जाती है। कॉरिन क्रिस्टोफर और कैथी से कहती है कि मैंने तुम्हें ये बात कभी नहीं बताई कि तुम्हारे नाना नानी भी हैं। ये सुनकर दोनों बच्चों के मन में काफी सवाल उठते हैं। कॉरिन कहती है कि मैंने और तुम्हारे डैड ने भागकर शादी की थी, मेरी फैमिली वाले कभी भी इस शादी से खुश नहीं थे, इसीलिए मैंने ये बात कभी भी तुम्हें नहीं बताई। अब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि मैं चार बच्चों को नहीं संभाल पा रही हूँ। तुम्हारी नाना नानी बहुत ज्यादा अमीर है और उनका एक बहुत बड़ा घर भी है। आज रात ही हम उनके घर जाने वाले हैं। ये सुनकर कैथी और क्रिस मान जाते हैं। रात में ये सभी अपने नाना नानी के घर के लिए निकल जाते हैं। अब रात 3 बजे तक वो अपनी नानी ओलिविया के घर पहुंच जाते हैं। ओलिविया इन्हें घर के अंदर बुलाती है और शांत रहने को कहती है। ओलिविया इन्हें एक रूम में लेकर जाती है। उसे ये बात पता नहीं थी कि कॉरिन के चार बच्चे हैं। कैदी अपनी माँ से कहती है कि क्या आपने कभी भी इन्हें हमारे बारे में नहीं बताया। कॉरिन कहती है कि वो मुझसे अभी तक नाराज हैं। ओलिविया सभी बच्चों से कहती है कि मैं तुम्हारा रूम लॉक कर रही हूँ, कोई शोर नहीं मचाएगा और सभी बहुत स्लोली बात करेंगे। कॉरिन कैदी से कहती है कि तुम सभी फिक्र मत करो, तुम्हारे नाना 78 ईयर्स के हैं जो बहुत ही जल्द मरने वाले हैं। उनके मरने के बाद ये सब हमारा हो जाएगा। इसके बाद जो तुम्हें करना होगा तुम कर सकते हो। ये बात सुनकर बच्चे खुश होते हैं। अगले दिन जब सभी उठते हैं तो ओलिविया एक रूल्स की लिस्ट लेकर आती है। वो कहती है कि सबसे पहला रूल कि कोई शोर नहीं मचाएगा। तुम्हें हर रोज 3 टाइम खाना दिया जाएगा, लेकिन तुम उसमें से बिल्कुल भी खाने को वेस्ट नहीं कर सकते। मुझे कभी भी बच्चा यहाँ पर बाहर जाता हुआ या शोर मचाता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आना चाहिए। ओलिविया इन सभी के लिए खाना लेकर आई थी। वो कहती है कि ये तुम्हारा आज का खाना है, अब मैं सीधा कल वापस आऊंगी और कोई भी खाना वेस्ट नहीं करेगा। अगर तुम्हें खेलना है तो तुम ऊपर एटिक में जाकर खेल सकते हो। ये सुनकर सभी बच्चे ऊपर चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद ये सभी देखते हैं कि ये रूम तो एक स्टोर रूम है जहाँ बहुत सारा पुराना सामान रखा हुआ है। क्रिस को एक गाने का टेप भी मिलता है। ये दोनों के छोटे भाई बहन कहते हैं कि हमें ये कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसीलिए वो दोनों अपने छोटे भाई बहन के लिए झूला बनाते हैं और इनके साथ खेलने लगते हैं। नीचे आने के बाद ये दोनों छोटे बच्चे खाना खा रहे थे, तभी ये सभी मस्ती करने लगते हैं। कुछ देर में कॉरिन वहाँ आ जाती है। वो इन्हें चुप करवाती है, लेकिन इनका शोर ओलिविया सुन लेती है। अब ओलिविया कॉरिन को अपने साथ लेकर आती है। कुछ देर में कॉरिन वापस अपने बच्चों के पास आती है। तब कॉरिन का छोटा बच्चा कहता है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना, मुझे अभी के अभी यहाँ से ले चलो। कॉरिन उसे समझाती है लेकिन वो नहीं मानता। तभी वहाँ ओलिविया आती है और कहती है कि शोर मचाना बंद करो। कॉरिन की छोटी बेटी को गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगती है। साथ ही वो छोटा बच्चा आकर ओलिविया के पैर में काट लेता है। ओलिविया गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को मारने लगती है। कॉरिन कहती है कि अगर आप मेरे बच्चे को इस तरह से मारेंगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ओलिविया कहती है कि चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओलिविया कॉरिन को उसकी टॉप उतारने के लिए कहती है। जब कॉरिन अपनी टॉप उतारती है तो हम देखते हैं कि उसके पीठ पर बहुत सारे निशान थे। दरअसल जब ओलिविया उसे अपने साथ लेकर गई थी तब ओलिविया ने कॉरिन को बहुत मारा था। ओलिविया सभी से कहती है कि अगर किसी ने आगे से शोर मचाया तो सभी के साथ ऐसा ही करूंगी। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। कॉरिन फिर से 1 महीने बाद वापस आकर अपने बच्चों से मिलती है। कैदी पूछती है कि आखिर आप इतने दिनों से कहाँ थी। कॉरिन कहती है कि मैं तुम्हारे नाना के पास थी।
आजकल मैं वो सब कर रही हूँ जो मेरा सपना है। मैं घूमने जाती हूँ, मैं हॉर्स राइडिंग करती हूँ और ये देखो मैंने कितने अच्छे कपड़े भी पहने हैं। कुछ देर में कॉरिन वापस चली जाती है। कैदी और क्रिस एक दूसरे से बात करते हैं, आखिर ये मॉम को हो क्या गया है। जब कैदी बाहर जाती है तो ओलिविया से टकरा जाती है। ओलिविया गुस्से में कहती है कि मुझे ना तो तुम्हारे डैड पसंद थे और ना ही तुम लोग पसंद हो, तुम सभी एक शैतान के बच्चे हो। ये सुनकर कैदी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। एक दिन फिर से कॉरिन वापस आती है, वो इनके लिए बहुत सारे सामान लेकर आई थी। कैदी गुस्सा थी इसीलिए वो कहती है कि हमें अभी के अभी यहाँ से जाना है। कैदी कहती है कि नानी ने मेरे डैड को एक शैतान कहा और हमें शैतान का बच्चा कहा है। कॉरिन कहती है कि वो बस तुम्हारे डैड और मेरे शादी से नाराज हैं। कैदी ये सुनकर उनकी बात नहीं मानती और बार बार यहाँ से जाने की जिद करती है। तब कॉरिन उसे बताती है कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ आने से पहले तुम्हारे नाना ने एक शर्त रखी थी कि मेरे साथ क्रिस्टोफर के बच्चे नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बंद करके रखा है। ये सुनने के बाद कैदी बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। अगले दिन इनके घर पर एक पार्टी होने वाली थी। पार्टी से पहले कॉरिन कैदी और क्रिस को एक जगह बंद कर देते हैं ताकि ये पार्टी को देख पाएं। ये उस जगह बंद होते हैं जो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब ये दोनों बैठकर पार्टी को देख रहे होते हैं जहाँ ये दोनों पहली बार इनके नाना को देखते हैं, जहाँ अचानक से कॉरिन उसके डैड को किस कर लेती है। कॉरिन के डैड उसे एक नेकलेस देते हैं जिसे पहनकर कॉरिन बहुत ही ज्यादा खुश थी। हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद ओलिविया कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। कुछ देर में कॉरिन एक आदमी विंस्लो के साथ होती है, तब इन दोनों को किस करते हुए कैदी और क्रिस देख लेते हैं। क्रिस कैदी को वापस रूम में जाने के लिए बोलता है और खुद हर एक रूम में जाकर वहां की चीजें देखने लगता है। थोड़ी देर में कॉरिन कैदी के पास आती है जहाँ उसे क्रिस नहीं मिलता। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ क्रिस आ जाता है और कॉरिन उसे स्लैप करती है। अगले दिन ये सभी डिनर पर मिलते हैं जहाँ कॉरिन इन्हें कहती है कि विंस्लो सिर्फ मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कॉरिन कैदी को पहनने के लिए कुछ कपड़े देती है। कैदी उन्हें पहनकर देख रही थी कि तभी वहाँ क्रिस आ जाता है। ये दोनों यहाँ खड़े थे कि अचानक ओलिविया वहाँ आ जाती है और उन्हें एक साथ देखकर उनके बारे में गलत सोचने लगती है। इस बात से ओलिविया गुस्सा हो जाती है और वो कैदी को इस बात की सजा देती है। वो उसे अपने बाल काटने के लिए कहती है। यहाँ पर कैदी और क्रिस ऐसा नहीं करते। एक दिन जब कैदी सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसके बालों पर किसी ने केमिकल्स डाल दिया है जिसकी वजह से उसके बाल खराब हो चुके हैं। अब ना चाहते हुए भी क्रिस को कैदी के बाल काटने पड़ते हैं। देखते ही देखते 5 महीने बीत जाते हैं और 5 महीनों बाद कॉरिन वापस अपने बच्चों से मिलने आती है। कॉरिन कहती है कि उसने विंस्लो से शादी कर ली है। वो पिछले 5 महीनों से विंस्लो के साथ हनीमून पर थी। ये सुनकर क्रिस बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कॉरिन से कहता है कि आपके 4 बच्चे हैं, फिर भी आपने शादी क्यों की। ये सुनकर कॉरिन कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओलिविया इन सभी के लिए डोंस लेकर आती है। कैदी को डोंस बहुत ही पसंद थे। तब क्रिस ओलिविया से कहता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मेरा नाम भी क्रिस्टोफर है जो कि मेरे डैड का था। ये सुनकर ओलिविया को बहुत गुस्सा आता है और क्रिस को कोरे से मारने लगती है। मारने की वजह से क्रिस के पीठ पर घाव हो जाते हैं। अब कैदी उन पर मरहम लगा रही थी। ये करते हुए ये इतने करीब आ गए थे कि दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। एक दिन जब ओलिविया रूम में आती है तब क्रिस उसे सॉरी कहता है। वो बड़े ही चालाकी से ओलिविया का मास्टर चाबी का स्केच एक साबुन पर बना लेता है। अब क्रिस एक लकड़ी से चाबी बनाता है और ये दोनों हर रोज धीरे धीरे ओलिविया की तिजोरी से पैसा निकालने लगते हैं ताकि ये दोनों यहाँ से निकलकर भाग सके। एक दिन क्रिस अपनी मॉम को देखता है जो विंस्लो को किस कर रही थी। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने रूम में आता है जहाँ कैदी उसे शांत करती है। ये दोनों फिर से करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन ये देखते हैं कि इनका छोटा भाई बहुत बीमार हो गया है। तब कॉरिन वहाँ आती है। कैदी उससे कहती है कि आपने अपने लिए हमें ये रूम में बंद करके रखा है, मुझे आपको अपनी माँ कहने में भी शर्म आती है। ये सुनकर कॉरिन गुस्सा हो जाती है और कैदी को स्लैप करती है। कैदी भी गुस्से में कॉरिन को स्लैप कर देती है। तब ओलिविया कहती है कि अभी इस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर चलो। कुछ देर में कॉरिन वापस आती है और सभी को बताती है कि उनके छोटे भाई की अब डेथ हो गई है। ये सुनकर सभी रोने लगते हैं। एक दिन जब इनकी छोटी बहन एक चूहे को डोंस खिलाती है तब इन्हें पता चलता है कि वो डोंस खाने से उस चूहे की मौत हो गई। वो समझ जाते हैं कि उनके छोटे भाई की मौत इसी डोंस की वजह से हुई है। ये सभी ये सोचने लगते हैं कि ये सब उसकी नानी कर रही है। तभी ओलिविया वहाँ आ जाती है। ओलिविया को पता चल चुका था कि क्रिस के पास एक मास्टर की है जिसकी मदद से वो कोई भी दरवाजे को खोल सकता है। ओलिविया क्रिस से वो चाबी मांगती है लेकिन क्रिस उसे चाबी नहीं देता। ये सभी वहां से भागने लगते हैं। ओलिविया इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे आती है लेकिन तभी क्रिस वहां की लाइट्स बंद कर देता है। ओलिविया को एक बीमारी थी जिस वजह से उसे अंधेरे से डर लगता था। वो क्रिस को वापस से लाइट जलाने के लिए कहती है पर क्रिस वहां से जाने लगता है। तब ओलिविया कहती है कि तुम्हें मारने का प्लान मेरा नहीं बल्कि तुम्हारी माँ का था। ये सुनकर क्रिस और कैदी बहुत ही दुखी होते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद ये दोनों एक ट्रेन में बैठकर
हमें आखिरी बार नजर आते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।